So many pieces up back together now. What's your vision? ठीक है फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ्रेम्स में तीन केसेस। ठीक है, तो सबसे पहला केस रहेगा अगर एक इंक्लाइंड मेंबर पे एक स्ट्रेट ड्यूडल एक्ट करता है तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप में रिजॉल्व होगा, दो सेक्शन में। एक तो ड्यूडल ऑन द मेंबर, ठीक है, और एक ड्यूडल थ्रू आउट द मेंबर, यानी कि एक्चुअल यूडियल। ठीक है, तो ये वाली यूडियल की इंटेंसिटी रहेंगी W cos स्क्वेयर थीटा, ओके, और ये वाली यूडियल की इंटेंसिटी रहेगी W sin थीटा cos थीटा, और थीटा हमारा एंगल है ये वाला। ठीक है, और फिर सेकेंड केस है अगर मान लो एक फ्रेम है, ठीक है, तो अगर एक जॉइंट पर लोड डालते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम लोग एक इंक्लाइंड फोर्स कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे ये वाले एग्जांपल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है फ्रेम्स, ओके। तो एक फ्रेम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखते हैं हम लोग ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में हमको बीसी की लेंथ फाइंड करनी है, सीडी की लेंथ फाइंड करनी है, ये दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, वो दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में देखेंगे, इसको नाम देता हूँ मैं थीटा वन और इसको नाम देता हूँ मैं थीटा टू। ठीक है, तो थीटा वन यहाँ पर हो जाता है टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि ये 2 मीटर है, 2 बाय एडजेसेंट साइड 3, तो इससे हमको एंगल मिलता है 33.7 डिग्री। सिमिलरली थीटा 2 भी टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट 2 और एडजेसेंट 4 इज इक्वल टू 26.56 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी सी क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 मीटर। और सिमिलरली सी डी की वैल्यू होंगी अंडर रूट ऑफ बाय पाइथागोरस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4.47, यानी कि 4.5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री होगी, तो इस यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये 3.6 है, तो आधा आधा करेंगे तो 1.8 हो जाएगा, और ये वाला है 4.5। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, अभी रिएक्शन फाइंड करना। तो यहाँ पर हिंज है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो रोलर सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमारा स्टेप रहेगा रिएक्शन फाइंड करना। ठीक है, तो सबमिशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में पॉइंट ए से दिख रहा है 45 इंटू उसका डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, तो अब ये इंक्लाइन फोर्स है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो कौन से वाला साइड में हमारा थीटा वन एंगल है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लस बनाता हूँ मैं, सिंपल से आइडिया है। ठीक है, तो ये वाला ऐसा वाला सेक्शन में हमको एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है, ओके। तो ये वाला एंगल होता है, तो ये छोड़ के ये वाला एंगल, ये छोड़ के ये वाला एंगल, ये छोड़ के ये वाला एंगल थीटा वन है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स हमारा कैसा है, इस तरह से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स में एंगल कहाँ पर है, नीचे। तो ये हो गया हमारा कॉस और ये होगा हमारा साइन, 20 कॉस
थीटा वन, ठीक है। तो ये भी हमको क्लॉकवाइज जैसे पॉजिटिव 20 कॉस थीटा वन इंटू, ये 3 मीटर है तो इसका हाफ होगा 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर फिर से प्लस क्योंकि वो वापस क्लॉकवाइज है 20 साइन थीटा वन इंटू उसका डिस्टेंस है 4 मीटर और 2 का हाफ पाई, तो ये हो गया 5 मीटर। फिर आता है यूडीएल, यूडीएल भी क्लॉकवाइज घूम रहा है 10 इंटू 4, फिर उसका डिस्टेंस है 3 प्लस 2 पाई। फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में रिएक्शन इंटू 7 इज इक्वल टू 0, इससे हमको आर की वैल्यू मिलती है 65.77 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फिर समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड में है आर ए प्लस आर ई है हमारा 65, फिर डाउनवर्ड में हमारा 20 कॉस थीटा वन, ठीक है, डाउनवर्ड में, और एक 10 किलोमीटर का लोड यानी कि 10 इंटू 4, ठीक है, जिससे आपको आर ए की वैल्यू मिलती है -9.13 किलोमीटर, ठीक है। तो माइनस यानी कि हमारी अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, यानी कि अपवर्ड नहीं है, ये डाउनलोड फोर्स है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव करके इसको डाउनलोड कर देते, ठीक है। तो फिर सबमिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्सेस इज इक्वल टू दिस साइड फोर्सेस, ठीक है। तो ये साइड में फोर्स कौन से जा रहे हैं, एच ए जा रहे हैं, और ये वाली साइड में फोर्स जा रहे हैं 45 और प्लस 20 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एच ए की वैल्यू मिलेगी 56.09 किलोन्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख लेते हैं 56.09, अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग थी इसलिए डाउनवर्ड फोर्स 9.13 और यहाँ पर है 65.00, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा, यहाँ पर अपने को 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी एस एफ डी, बी एम डी, ए एफ डी बनाना है हर एक मेंबर का। सबसे पहले मेंबर लेते हैं हम लोग ए बी, ठीक है। ए बी में जॉइंट ए पे हमको नॉन रिएक्शन है 9.13 और 56.09, ठीक है। और यहाँ पर एक लोड है, एक्सटर्नल लोड है, ठीक है। तो ये हो गया 45 और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट तो जरूर है, यहाँ पर मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कोई तो फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा और एक वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल कौन सा रहेगा, अभी 9.13 इसको नीचे खींच रहे थे, इसको ऊपर खींचना पड़ेगा 9.13, तभी इक्विलिब्रियम में चला जाता है। ये 56 यहाँ जा रहे तो 45 जा रहा है, तो कितना आउटपुट करना पड़ेगा 56 को रेजिस्ट करने के लिए, इलेवन पॉइंट जीरो नाइन किलोमीटर, ठीक है। तो अभी ये सब इक्विलिब्रियम में आ गए, तुम मूवमेंट एट बी ले लेते हैं, सबमिशन एट मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्लॉक वाइज जा रहे 56 इन 0.09 इंटू 4 क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज में हमने अज्यूम किया एम बी इसलिए 0। तो अभी एम बी की वैल्यू यहाँ पर मिलती है मेरे को 224.36 किलोन्यूटन मीटर, 224.36 किलो न्यूटन मीटर, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका एएफडी, एसएफडी, बीएमडी बना लेते हैं। सबसे पहले एएफडी देखते हैं, एएफडी में इसको 9.13 का किलो न्यूटन फोर्स इसको खींच रहा है, यानी कि टेंसाइल में है, इसको बॉक्स बना के टी पर लिखा है 9.13 किलो न्यूटन का फोर्स। तो इसके एस एफ डी देखते हैं, 56 ऊपर जा रहे हैं यानी कि बाहर, यानी कि पॉजिटिव, फिर आगे जाकर कोई फोर्स नहीं है, फिर यहाँ पर 56 नीचे जा रहे हैं, 45 प्लस 11 56, तो ये हो गया पॉजिटिव शेयर फोर्स 56.09 किलो न्यूटन का। फिर आता है बेंडिंग मोमेंट, ये हिंज है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर ये इसको ऐसा
बेंड करने वाला है, यानी कि इसको खोलेंगे तो स्माइली फेस दिखेगा, तो ये होगा पॉजिटिव और ये इंक्लाइंड लाइन, तो ये हो गया पॉजिटिव और इसकी इंटेंसिटी है 224.36 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया पहला मेंबर। अभी नेक्स्ट मेंबर देखते हैं जो है बीसी। ठीक है, बीसी में देखते हैं यहाँ पर हमको कौन सा रिएक्शन थे। ये ए बी था हमारा, ठीक है, तो इसमें 9.13 लगा था, यहाँ पर 11.03 और एक मूवमेंट 224.36 और एक 45 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, तो हमने 45 किलो न्यूटन एक्सटर्नल लोड है जो कि एक तो ए बी में लेना था या फिर बी सी में लेना था, तो हमने यहाँ पर ए बी में 45 किलो न्यूटन का लोड ऑलरेडी एज्यूम किया है, तो यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है बी सी में। तो ठीक है, तो इंटरनल रिएक्शन यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला फोर्स ऐसा जा रहा है, तो इसको ऐसा जाएंगे 11.03, ये ऊपर जा रहा था तो इसको नीचे डालेंगे 9.13, फिर 224 एंटी क्लॉक वाइज था तो यहाँ पर क्लॉक वाइज में डालेंगे 224.36। यहाँ पर उसका एक्सटर्नल लोड है 20 किलो न्यूटन, ठीक है, इसको हमने ऐसे रिजोल्व किया था, ये कोसाइन में जा रहा है और ये साइन, तो यहाँ पर अननोन रिएक्शन आएंगे अभी हमारे, ये एम सी एच सी और ये वी सी। ठीक है, समीशन एफ ऑफ वाई करेंगे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो अपवर्ड में कौन सा वी सी है, बीसी अपवर्ड में, और फिर डाउनवर्ड में कौन सा है 9.13, फिर प्लस 20 कॉस थीटा 1। ठीक है, इससे बीसी की वैल्यू हमको मिलेगी 25.95 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बीसी की वैल्यू 25.95। ओके, इसी तरह से एससी मिलेगी, समीशन है एफ एफ एक्स, तो एचसी यहाँ पर मिलेगी, एचसी ए बाजू में जा रहे हैं और जा रहे हैं प्लस 20 साइन थीटा, फिर इज इक्वल टू ए साइड में जा रहा है 11.03। ठीक है, तो इससे एच सी की वैल्यू मेरे को मिल रही है 0। ठीक है, तो एच सी यहाँ पर 0 मिल गया, तो यहाँ पर एच सी को भूल जाओ। ओके, मोमेंट लेते हैं, समीशन मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, तो क्लॉकवाइज में कौन सा जा रहे देखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज है हमारा पहले से 224.36, ठीक है, फिर ये 1.8 मीटर ऑलरेडी है, तो ये 9.13, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसलिए माइनस 9.13, और इसका डिस्टेंस कितना ये 3 मीटर। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 11.03 इंटू इसका डिस्टेंस कितना ये 2 मीटर। ओके, फिर क्या फोर्स हो जाए, ये वाला फोर्स रह गया, अभी ये है 1.8 मीटर एट द डिस्टेंस, या फिर देख लो डायरेक्टली एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है इसलिए माइनस 20 इंटू 1.8, फिर एंटी क्लॉकवाइज में एम सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एम सी की वैल्यू हमको मिल रही है 182.62 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो एम सी की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 182.62 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अभी ये मेंबर इंक्लाइंड है और फोर्सेस वर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसको सब लोग को रिजोल्व करना पड़ेगा, तो एक थ्रू आउट द मेंबर और एक उसका पैरेलल, फिर एक थ्रू आउट द मेंबर उसका पैरेलल, फिर इसको करेंगे इस तरह से
ओके, तो इसका कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा है देखने के लिए प्लस बनाएंगे। ये वाला एंगल है हमारे पास, मतलब ये वाला एंगल है, ये छोड़ के ये, और ये छोड़ के ये, थीटा वन। तो ये वाला फोर्स है 9.13 नीचे, यानी कि ये वाला फोर्स, तो इसमें ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये होगा हमारा कॉस और ये होगा हमारा साइन, ठीक है। तो इसमें ये वाला फोर्स यानी कि ये वाला 11.03, उसमें एंगल है ये वाला, यानी कि नीचे जा रहे कॉस और ये है साइन। तो यहाँ पर ऊपर जा रहे वाला फोर्स है हमारा, तो ये वाला साइड पर जा रहा है वो कॉस और ये है साइन, ठीक है। तो इसका भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 20 किलो न्यूटन, 1.8 और 1.8, ठीक है। तो अपने यहाँ पर देखोगे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 9.13 साइन थीटा प्लस 11.03 कॉस थीटा, ये दोनों को ऐड होगा, तो यहाँ पर ये हो गया इस तरह का फोर्स। इन दोनों को ऐड करके हमको वैल्यू मिलती है 14.4 किलो न्यूटन। फिर ये पॉजिटिव 9.13 नीचे जा रहा है और 11.03 ऊपर जा रहा है, तो 9.13 को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ नीचे जाने वाले फोर्स को। 9.13 कॉस थीटा माइनस 11.03 साइन थीटा इज इक्वल टू 1.6, तो पॉजिटिव आ रहा है इसलिए नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर किया था। तो अभी इसी तरह से ये वाला हो गया, तो अभी ये वाला देखेंगे 25.95 कॉस थीटा अपवर्ड, यानी कि हमको मिल रहा है रिएक्शन 21.6, और फिर यहाँ पर जा रहा है 25.95 साइन थीटा वन इज इक्वल टू 14.4 किलोमीटर, ओके। मोमेंट यहाँ पर लिख दो लिख के 224.36 और 182.62, ठीक है। तो ये वाला बीम को सिंप्लीफाई कर दिया, तो अभी AFD, SFD और BMD बनाएंगे। ओके, सबसे पहले AFD बनाते हैं, तो ये इसको खींच रहे हैं यानी कि वापस टेंशन में, 14 किलोन्यूटन का लोड, 14.4 किलोन्यूटन का लोड टेंशन में। फिर SFD भी देखते हैं, ये वाला फोर्स इसको नीचे जा रहा है 1.6 किलोमीटर नीचे, फिर आगे जाएगा ये 20 किलोमीटर की लाइन, ठीक है। तो 20 किलोमीटर आएंगे तो और नीचे जाएंगे, यानी कि 1.6 माइनस 1.6 माइनस 20, तो 21. माइनस 21.06, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जाएंगे तो ये 21.6 पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पर है 224, इसको 224 और ये 182, ये 182.62 और 224.36, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपकी, यहाँ पर अभी ये वाली वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन आप कर सकते हैं कौन से भी एक साइड का मोमेंट लेके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वाला साइड का मोमेंट ले रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पर मोमेंट क्या आएगा, ऊपर जा रहा है फोर्स 21.6 × 1.8, फिर पॉजिटिव 182.62, बस इसका वैल्यू हमको मिल को मिल रही है 221.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मिलेंगी 221.5 किलो न्यूटन मीटर, और ऐसा पॉजिटिव है, ठीक है। तो AFD, SFD, BMD ये वाली मेंबर की हो गई है। तो फिर ठीक है, अभी अगला मेंबर देखते हैं CD, ठीक है, कुछ CD मेंबर। तो यहाँ पर हमने BC मेंबर में देखा था, यहाँ पर हमको अननोन रिएक्शन मिले थे, ये था 25.95, अरे मोमेंट 182.62 किलोन्यूटन, ठीक है। इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड 25.95, और ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये क्लॉकवाइज 182, ठीक है। तो अभी पॉइंट डी पर अननोन रिएक्शन फाइंड करेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट, ठीक है।
साथ ही साथ इसमें एक्सटर्नल लोड है अपना UDL। ओके पर मीटर, और ये लेंथ है हमारी 4 मीटर। ओके तो सबमिशन FY 0 करते हैं, अपवर्ड फोर्स जा रहा है VD और डाउनवर्ड में जा रहे 25.95 प्लस 10 × 4, तो VD की वैल्यू मिलती है 65.77 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर VD लिख देते हैं 65.77 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर HD हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो HD डायरेक्टली जीरो बन जाता है। ठीक है, फिर MD फाइंड करते हैं, समीशन एट मोमेंट एट डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एक फोर्स जा रहा है क्लॉकवाइज 25.95 इसका डिस्टेंस है 4, 10 किलोमीटर का लोड भी जा रहा है क्लॉकवाइज 10 × 4 × 2, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस, फिर पॉजिटिव में क्लॉकवाइज जा रहे हैं 182.62 और ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है इसलिए माइनस MD। ठीक है, तो यहाँ पर MD की वैल्यू हमको लगभग 0 के बराबर मिलती है। ठीक है, तो MD भी यहाँ पर हट जाता है। अगर यहाँ पर आपको 1 kN टाइप मोमेंट्स आ रहे तो उसको हम लोग डायरेक्टली 0 कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एरर होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं वापस से बना लेता ठीक है, तो अभी इनको रिजोल्व करना है। यहाँ पर प्लस बना देता हूँ पहले मैं। ठीक है, हमका ये एंगल है ये वाला थीटा 2, तो ये बन जाते थीटा 2 बाकी के सब। ठीक है, तो ये रिजोल्व होगा अलोंग द लेंथ और फिर इसका परपेंडिकुलर, अलोंग द लेंथ फिर उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला अपवर्ड फोर्स यानी कि ये वाला फोर्स, इसमें थीटा ये है तो ये होगा हमारा कॉस, ये हमारा साइन। ये डाउनवर्ड फोर्स, इसमें थीटा ये है तो ये होगा हमारा कॉस और ये होगा हमारा साइन। ठीक है, तो हम इंक्लाइंड मेंबर पर जब UDL रहेंगे तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह की UDL में, इस तरह की UDL की इंटेंसिटी रहेंगी W cos square थीटा 1 और एक एक्चुअल UDL जो कि रहेंगी W sin थीटा 2 cos थीटा 2। ओके, यानी कि 10 cos square के थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके बनाते हैं हमारे फ्रेम का मेंबर। ओके, तो ये जा रहे नीचे 25.95 cos थीटा, तो ये पर हमको वैल्यू मिलती है 23.12 किलोमीटर। ओके, फिर ये अंदर जा रहे हैं 25.95 sin थीटा, तो अंदर की तरफ जा रहे हैं 11.6 और ए मोमेंट एज इट इज 182.62। यहाँ पर देखिए अपवर्ड फोर्स है 65.77 cos theta जो कि रहते हैं 59, ये हो गया 59 और ये अंदर के फोर्स जा रहा है, ये हो गया अंदर वाला फोर्स 29.48। ठीक है, 65.77 sin theta इज इक्वल टू 29.48। तो यहाँ पर UDL भी है हमारे पास ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे W cos square theta के फार्मूला से, यानी कि 10 cos square theta 2, उससे वैल्यू मिलती मेरे को यहाँ पर 8 किलो न्यूटन मीटर। और हमारा एक्चुअल UDL एक है जो यहाँ पर एक्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है हमको मिलती है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमने इसका स्पैन फाइंड कर लिया था
इंक्लाइन का 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड। इससे हम लोग अभी बनाएंगे SFT BMD SFT। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं AFD। AFD में यहाँ पर देख रहे हैं 11.6 कंप्रेशन में जा रहा है, तो इसको कंप्रेशन ऊपर ले लेते हैं 11.6, और यहाँ पर कंप्रेशन दे रहा है 29.49। ये अपन 29.48 कंप्रेशन, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये इंक्लाइन लाइन बन रही है एक, तो सी। ठीक है, फिर SFD देखते हैं। SFD में नीचे जा रहा है ये 23.2, फिर 23 माइनस 23.2, फिर से माइनस हो रहा है। UDL की लेंथ है 8 इंटू उसकी लेंथ है 4.5, तो फिर वैल्यू मेरे को मिल रही है यहाँ पर 59। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 59 हो रहा है, तो ये प्लस, ये हो गया नेगेटिव में SFD। ओके, अभी जाते BMD। ठीक है, BMD देखते हैं इसकी। तो BMD यहाँ पर 0 है और यहाँ पर है 182। तो 182 अभी UDL है, इसलिए ये थोड़ा पैराबोलिक नेचर में आएगा ऐसे गोल। ठीक है, इसको यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्माइल बेंडिंग होने वाली है। तो ये हो गया हमारा मेंबर CD। ठीक है, तो अभी लास्ट मेंबर बचा है हमारा DE। तो DE को मैं ऐसा बना लेता हूँ। ओके, तो डी पर हमको मोमेंट जीरो था, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो था, लेकिन एक वर्टिकल फोर्स था जो कि मेंबर CD में अपवर्ड था। तो यहाँ पर आऊँगा डाउनवर्ड फोर्स 65.77 किलोन्यूटन, और यहाँ पर नॉन रिएक्शन है हमारा 65.77 किलोन्यूटन। ठीक है, और कोई इसमें फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पर इसकी SFD वेव भी सबसे आसान होगी बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका AFD बनेगा कंप्रेशन में C 65.77। ठीक है, तो SFD में यहाँ पर कोई ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है, 0, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी 0, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है हमारा और यहाँ पर हमको फाइंड किया था 0, तो ये भी हो गया 0। तो AFD SFD और BMD इसका इस तरह से होगा मेंबर DE का। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये वाला सम सॉल्व किया है, और यहाँ पर तीन केस हमने सीखा, लोड ऑन अ जॉइंट, इंक्लाइन फोर्स, और एक UDL ऑन स्ट्रेट इंक्लाइन मेंबर। ठीक है।